एक लाख गांव हम पूरे देश में 1 लाख गांवों तक अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा हर सप्ताह हनुमान चालीसा हजारों गांवों में शुरू हुआ है और ये हरेक हनुमान चालीसा वहां के पूरे गांव के लोग 200-500 परिवारों को सुरक्षा समृद्धि गरीबों को अनाज और प्राइवेट का डॉक्टर यह करके करोड़ों हिंदुओं को जोड़कर उनकी सेवा का एक कैंपेन चला रहे हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ। सर कांग्रेस कहती है कि यहाँ जो तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में तुष्टिकरण हो रहा है? चुनाव का वोटिंग अभी बाकी है थोड़ा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि देश में बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान चिंता होनी चाहिए। और दुख की बात है कि मणिपुर में हिंदू बहुसंख्यक है, मैतेई वह हिंदू है, और पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि बहुसंख्यक हिंदू शरणार्थी बनकर भागकर शरणार्थी कैंप में रहने के लिए मजबूर हुआ है। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक था और शरणार्थी शिविर, और मणिपुर में बहुसंख्यक है तो अभी शरणार्थी शिविर में, इनसे ज्यादा कोई दुखद घटना नहीं हो सकती। इसलिए ये देश में बहुसंख्यक हिंदुओं का सम्मान सभी जगह पर होना चाहिए। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में भी वोटिंग होनी है 2 दिन बाद, कैसी तस्वीर आपको नजर आती है? आप मैं तो कहूंगा कि राजस्थान में राजस्थान ही जीतेगा। सर 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसा है मेरे भाई, राम मंदिर का निर्माण तो 2000 वर्ष पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, इसलिए कोई निर्माण विर्माण नहीं हो रहा है। यह टूटा, अरे भाई टूटा हुआ जो मंदिर था वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा, मंदिर बनाना और जीर्णोद्धार दोनों में अंतर है, परंतु बड़ा मंदिर बन रहा है वह भी आनंद की बात है, उत्साह की बात है। और विश्वास करते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए यही राजस्थान के बेटे मारे गए थे, यही जोधपुर के मथानिया के, मैं स्वयं महेंद्र अरोड़ा जी उनके घर गया था। अब काशी मथुरा बनाने के लिए कोई माँ का बेटा न मरे और तुरंत काशी मथुरा बने, ऐसी आशा करते हैं। बाकी राम मंदिर के लिए तो बहुत बलिदान, बहुत लोग मारे गए हैं। श्रेय ले रही है बीजेपी, सर उसमें क्या कहेंगे? देश के सभी 100 करोड़ हिंदुओं को श्रेय लेने का अधिकार है, बीजेपी वालों को भी है, कांग्रेस वालों को भी ताला खोला था, इसलिए मैं कहूंगा सब श्रेय ले लो, श्रेय ही ले रहे हो ना, विरोध नहीं कर रहे हो ना, इसलिए ताला खोलने के लिए कांग्रेस भी विरोध श्रेय ले और आंदोलन में जुड़ने के लिए भाजपा भी श्रेय ले। आप मणिपुर में जो विफलता हुई उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार मानते फिर आप? किसको जिम्मेदार माने इसके लिए तो मुझे रिसर्च जांच कमेटी बनानी पड़ेगी, परंतु दुखद है कि भारत में बहुसंख्यक है वहां हिंदू शरणार्थी शिविर में है, इनसे बड़ा दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। ठीक है, धन्यवाद।